क्या बोलूं, आज का दिन दीवार में ही कट गया पूरा। सो हेलो गाइस, प्रणाम इंटरनेट। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त होंगे और हम भी हैं एकदम मस्त। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह के ठंडे ठंडे मौसम के साथ और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो दोस्तों, अगेन आज हमारा एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है और आई होप कि आप आज की वीडियो को भी इंजॉय करेंगे और जितना भी हमसे होगा हम आपको पूरा दिखाएंगे आज की वीडियो। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहाड़ों के अच्छे से मौसम के साथ और पहाड़ों के छोटे छोटे फूलों के साथ। तो फिलहाल एक दो सिनेमेटिक शॉट्स के आप मजे लीजिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सुबह सुबह का मौसम आप देख रहे हैं, अभी धूप भी नहीं आ रखी ढंग से। तो ये देखिए, वाह भाई, सब चलते हैं हल लगाने। तो हमेशा का रूटीन हमारा, सबसे पहले तो हल लगाना होता है सुबह सुबह। तो आपको दिखाते हैं हमारे साथ आज क्या स्पेशल होता है हल लगाने में। तो फिलहाल बंद करते हैं थोड़ा देर कैमरा और मिलता है आपसे कुछ ही देर में। तो गाइस, फाइनली हमने बांध लिया खेत और हमारे साथ के व्लॉग पहुँच चुके हैं। के व्लॉग क्या बोलेंगे आप? के व्लॉग, के व्लॉग बोल फोर। क्या हाल है आपके? सब कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे बोल लो यार, क्यों शर्मा रहे हो यार? आप ऐसे एक तगड़े हैया हो। क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए के व्लॉग्स करण सिंह मिस्टर। हैं बोल, तेरी आवाज ही नहीं खुल रही। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल तो ले। अरे बोल ले भाई, बोल ले। करण सिंह, आप कुछ बोलना चाहोगे? अरे बोल ले यार, क्यों शर्मा रहा है लड़कियों की? क्या बोलूं? तो गाइस, मैं वो कहां का ये है अपना साइलेंट किलर। ये बाल फिर भी नहीं बनाए तूने, हैं? ये बाल कब बनाएगा तू, पहले बता बता। इधर देख, कब बनाएगा? कैसा झबरू बना रहता है रोज रोज हर वीडियो में। तो दोस्तों, हल हल लगा के तो मैं आ चुका हूँ। तो अभी मेरा थोड़ा काम पड़ गया है मार्केट में, तो मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट। तो ले चलते हैं आपको अपने खूबसूरत से मार्केट की ओर। तो फिलहाल मैं तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं मार्केट की ओर, बोले तो देवाल की ओर। तो चलिए फिर, तो चलते हैं फिर दोस्तों मार्केट की ओर। जय हो। ये हमारे गांव का मंदिर है। तो अब मेरे को हो रही है लेट, तो जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा। वो करण कहाँ है रे? दोस्तों, इस तरह का दिख रहा है हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि अभी दिन के 12 बज रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं फटाफट, ज़्यादा लेट करते नहीं है। ये पेड़ बहुत खूबसूरत लगता है, ये देखिए, ये देखो चीड़ का पेड़ है, बट इसमें ये पता नहीं किस चीज़ के, पता नहीं क्या बोला जाता है इसमें। तो दोस्तों, कल की वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे आप क्वेश्चन भी पूछेंगे। अभी तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, बट थोड़ा देर में हो जाएगी। दरअसल वाली वीडियो काफ़ी लंबी है, मतलब 20 मिनट की तो है ही पूरी, और 3 GB उसमें पूरा नेट उड़ जाएगा मेरा आज का, मतलब एक दिन का मेरा 1 GB होता है। बाकी किसी से वाईफाई लेना पड़ेगा या तो नेट डलवाना पड़ेगा। तो ऐसा सीन है हमारा, मतलब एक वीडियो को अपलोड करने में कम से कम 3 GB
तो लग ही जाती है जो 20 मिनट की वीडियो होगी। जैसे 15 मिनट की वीडियो है उसमें कम से कम 2 GB नेट तो लग ही जाता है। तो आप सभी के लिए यार इतना तो चलता है क्यों दोस्तों। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं रोड से हमें गाड़ी कितने देर में मिलती है। दरअसल मेरा काम थोड़ा जल्दी का है आज यार। जिस दिन मैं सोचता हूँ ना मैं जल्दी मार्केट जाऊँ उसी दिन सबसे लेट होती है। देखो सुबह से मैंने सोचा मैं 10 बजे तक मार्केट में चले जाऊँगा, मेरा काम भी हो जाएगा, बट अभी दिन के 12 बज चुके हैं क्योंकि 11 बजे तक तो हमने हल ही लगाया और अभी गाड़ी का भी कोई भरोसा नहीं कि कब तक गाड़ी मिलेगी हमें। तो देखते हैं कब तक गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए फिर सीधा रोड में मिलते हैं आपसे। मतलब ये हमारे गांव की रोड पता नहीं कब सही होगी यार। मतलब ये पत्थर हत्थर भयंकर ऐसा होता है ना रोड में आने में। गाड़ी वाले जो नए नए होते हैं उनकी तो आफतें आ जाती है बिल्कुल। बहुत ही ख़तरनाक रोड है हमारे गांव के लिए, जो ऊपर के लिए कच्ची रोड मतलब सीमेंटेड हो गई है अब तो। फाइनली मैं रोड के वहाँ पर पहुँच ही गया हूँ और यहाँ पर तो हमें पैदल ही आना पड़ता है और यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक हमें गाड़ी मिलती है, कब तक हमारी किस्मत में गाड़ी आती है। और ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता की जय हो। ये हमारे गांव की नर्सरी जहाँ की काम लगा हुआ आजकल। फिलहाल तो करते हैं गाड़ी का इंतजार और पता नहीं कब तक गाड़ी आएगी, कब तक। पीछे गाड़ियाँ नहीं, अभी नहीं जा रही है दरअसल, यहीं पर खड़ी है क्योंकि ये सामने अंकल जी की गाड़ी है तो यहीं पर रहती है, आज नहीं जा रखे वो मार्केट। और यहाँ पर से दिख रहा है मुझे पिंडर नदी का खूबसूरत सा नज़ारा, तो आपको भी दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो दोस्तों ये है पिंडर नदी। हाय 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 हाय, कितना ठंडा पानी आ रहा होगा ना वहाँ पर। आज गाड़ी मिलनी मुश्किल लग रही, 15 मिनट तो हो गए मुझे और अब आ रही है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में अभी कैसे जाऊँ, यहाँ पर लेट जाऊँ क्या आप। एक कार तो आ रही है, देखते हैं रुकती है या नहीं रुकती है। तो हाथ देता हूँ तो आपको सीधा अंदर ही मिलूंगा, अगर रुकी तो, नहीं रुकी तो फिर ऐसी। यार मतलब किस्मत जब खराब होती है ना बहुत तगड़ी खराब होती है, मतलब कार वाले भी नहीं रोक दे रहे यार। काफी इंतजार करना पड़ेगा लग रहा है आज। एक गाड़ी तो और दिख रही, वो भी कार ही आई, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है आज। एक कार और दिख रही है पीछे से, मतलब आज सारी कारें आ रही हैं, किस्मत ही खराब लग रही है आज तो। चलो कोई नहीं, ये तो रोकी लेगी, इतना तो भरोसा है खुद पे। तो यार गाइस फाइनली हम पहुंच गए देवाल में और आप सभी को बता दें कि मेरा काम था यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाना था मेरे को अपने भाई का। तो बिल्कुल बनाते हैं और आके आप मजे लीजिए मार्केट के। टाइम लग जाएगा जी। तो गाइस दीपावली नज़दीक है, दुकानें भी अच्छी तरह से सजी हुई हैं यहाँ, तो आगे आप एक दो सिनेमेटिक शॉट्स के मजे लीजिए। आज का दिन देवाल में ही कट गया पूरा भयंकर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ देवाल से घर के लिए और आज वीडियो उतनी खास तो बन नहीं पाई। तो फिलहाल आपको यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ पैदल पैदल। और दरअसल मैं देवाल से
4-5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ पैदल नंदीकेसरी में, जो कि हमारा पोस्ट ऑफिस आप समझ सकते हैं नंदीकेसरी में है। तो फिलहाल आप यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए। सामने आपको गांव दिख रहा है भुल्यूड, जो कि ग्राम सभा कोठी में आता है, और नीचे पिंड नदी का खूबसूरत सा नज़ारा, और सामने सावधान पत्थर गिरने का खतरा है भाई लोगों। सही में आजकल यार खतरा तो है ही, यहाँ देखो क्या चट्टान है वाली, मतलब हमारे वहाँ के रोड का क्या कहना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हमारे वहाँ के रोडों की। कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे गड्ढे हैं, वाह वाह, बिल्कुल ऑफ रोडिंग काफ़ी तगड़ी हो सकती है यहाँ। यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी का धारा लगा हुआ है प्राकृतिक। ये देखो पत्थर के अंदर सारा ये पानी। तो शाम के 4 बज गए थे, तो इसलिए गाड़ी मिलना मुश्किल था, और देवाल से थराली के लिए शाम को 4 बजे के बाद गाड़ी बहुत ही कम मिलती है, मिलती भी है तो बाई चांस तुक्के वाली गाड़ियाँ मिल जाती है। तो चलो इसी बहाने थोड़ा बहुत पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। पहले हम स्कूल आते थे पैदल पैदल देवाल यहाँ से अपने घर से, तो बिल्कुल पहले हम जाते थे 8-9 किलोमीटर पैदल हमेशा डेली, 8-9 किलोमीटर सिर्फ जाना ही होता था और 8-9 किलोमीटर घर आना। तो बिल्कुल स्कूल हम देवाल पढ़ते थे जब तब पैदल जाते थे सुबह शाम, तो काफ़ी अच्छा लगता था जब हम बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे। अब वो पुराने दिन याद आते हैं। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और कोठी में मैं पहुंचने वाला हूँ तलसारी में, तो आपको दिखाते हैं तलसारी भी जितना हो सकता है। गेट तो मस्त लग रहा है ऊपर पे, और ये है तलसारी। तो दोस्तों सामने आपको दिख रहा है चिड़िंगा का गांव, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां से मुझे चारों तरफ बिल्कुल तगड़े तगड़े व्यू दिख रहे हैं, तो आपको भी दिखाता हूं। ऐसा मौसम मतलब बिल्कुल तगड़ा वाला शाम के समय, आय हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सामने का। वाह, फाइनली मैं अपने गांव के प्रतीक्षालय के वहां पर पहुंच ही गया हूं यार। यार ये भी मतलब गाड़ी नहीं मिलना मतलब बहुत दुख होता है यार जब गाड़ी नहीं मिलती है। तो चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं अपने गांव में, फाइनली हम अपने गांव के वहां पहुंच ही गए हैं। और बुड्ढे ठीक है? बुड्ढों वाले लकड़ी लेके तो फूट रहा है। तो दोस्तों अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब वीडियो को भी एंड कर लेते हैं, और बैटरी भी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल नील होने वाली है। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय 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 बाय, जय देवभूमि जय उत्तराखंड। तो बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में।